नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये जो पर्टिकुलर ईयर है 2024, वो एक इलेक्शन ईयर है पूरी दुनिया में। इस साल में 50% से भी ज्यादा कंट्रीज इलेक्शन में जाने वाली हैं। उसी में से एक कंट्री है भारत, जिसमें इलेक्शंस कल से शुरू हो गए हैं। आशा रखते हैं कि आप लोग सब वोटिंग करने गए होंगे, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटिंग शुरू हो गया है तो। और जो भी आने वाले दिनों में वोटिंग होने वाली है, उसके लिए हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि जाइए, अपना वोट जरूर कास्ट कीजिए। चाहे आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो या किसी भी नेता के लिए वोट करने वाले हों, जाकर अपना वोट जरूर डालें। ये हमने कल भी कहा था और बार बार कहेंगे कि ये हमारा प्रिविलेज नहीं बल्कि हमारा धर्म है, तो अपना वोट जरूर कास्ट करें। भारत के अलावा एक और जो बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है यूएसए, उसमें भी इस साल इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन वहां पर कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां खड़ी हो रही हैं जिस प्रकार की भारत के कुछ राज्यों में स्टेट इलेक्शंस के दौरान देखी गई। अब ऐसा क्यों है, उसके ऊपर जाने से पहले एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं क्या हो रहा है यूएस पॉलिटिक्स में। तो यूएसए में मेनली दो पार्टीज हैं, जी सिर्फ दो पार्टीज हैं जिन दोनों के बीच में से इलेक्ट करना होता है किसी भी आम नागरिक को। उन्हीं दोनों के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं, जिसमें एक डेमोक्रेट पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। और इस साल 2024 इलेक्शन में जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है डेमोक्रेट की साइड से, वो है जो बाइडेन फिर से एक बार, और रिपब्लिकन की साइड से जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुनकर आया है वो है डोनाल्ड ट्रंप। अब अगर यूएस पॉलिटिक्स की बात करें और उन लोगों की पॉलिसीज की बात करें, तो वहां पर दोनों में से भी किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट चुनकर आए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वहां की जो पॉलिसीज है वो इस प्रकार से डेवलप होती है, जिससे वहां पर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, जो बिग फार्मा है, हेज फंड मैनेजर्स है, जॉर्ज सोरोस जैसे और अन्य कई ऐसे लोग हैं जिस जो पेंटागन में बैठते हैं, उन लोगों के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं उसी के अनुसार पॉलिसीज बनाई जाती हैं, जिनको आमतौर पर डीप स्टेट भी कहा जाता है। तो उसी डीप स्टेट के अनुसार वहां की चाहे रिपब्लिकन गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेट गवर्नमेंट हो, दोनों ही काम करती हैं। लेकिन यहां पर ये जो पर्टिकुलर कैंडिडेट रिपब्लिकन में से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट चुनकर आया है डोनाल्ड ट्रंप, उसने आगे भी अपनी टर्म में ये करके दिखाया कि वो इन लोगों में से किसी की भी बात नहीं सुनता है और वो जो खुद को ठीक लगे वही चीज करता है, उसी प्रकार से एक्शंस लेता है। तो उसी के चलते वहां के जो लॉबिस्ट हैं, चाहे वो बिग फार्मा हो गई, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो गए, या फिर हेज फंड मैनेजर्स हो गए, या कोई भी, उन किसी की भी बात वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान नहीं चलती है। तो उसी की वजह से ये लोग काफी नाराज रहते थे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के दौरान। तो उसी के चलते 2021 में जो इलेक्शंस हुए उसके दौरान डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काफी ही बड़ी मात्रा में कैंपेनिंग की गई और अल्टीमेटली जो बाइडेन, जो कि ओबामा की सरकार में वाइस प्रेसिडेंट था, उसको चुनकर लाया गया। अब फिर से एक बार जो बाइडेन और ट्रंप के बीच में मुकाबला है और इस बार ये स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो बाइडेन ने अपनी ये टर्म में 2021 से अभी तक की टर्म में जिस तरह से गवर्नमेंट चलाई है और जो भी एक्शंस लिए हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई है, वो यूएस के नागरिकों के लिए काफी ही नुकसानदायक साबित हुई है। तो उसी के चलते यूएस में कई सारे जो सेंसिबल सिटीजन्स हैं, वो जो बाइडेन की जगह पर डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाना ज्यादा प्रिफर करते हैं, भले ही वो थोड़ा सा कुकू हो, फिर भी वो लोग डोनाल्ड ट्रंप को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी जो पॉलिसीज हैं, जो पिछली टर्म में उसने अपनाई थी, उसके अंतर्गत वो रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में और डिले करवाने में कामयाब हुआ था। और साथ ही में वो जिसको लिटिल रॉकेट मैन कहता है, यानी कि नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर किम जोंग उन, उसको भी वो शांत करने में काफी ही कामयाब हुआ था। उसके उपरांत चाइना के साथ भी उसने ट्रेड रिलेशंस को काफी ही कंट्रोल किया था। इंडिया के साथ रिलेशंस उसने थोड़े बहुत अच्छे किए थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं था लेकिन थोड़े बेटर हुए थे। और पाकिस्तान के साथ उसने ज्यादा कोई भी डीलिंग्स नहीं की। वेस्ट एशिया में भी काफी ही शांति रही उसकी सरकार के दौरान। और वो जैसे ही सत्ता से हटा और जैसे ही जो बाइडेन के हाथ में सरकार आई, वैसे तुरंत ही ये सभी जगहों पर एक साथ वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, जिसको हम आज भी देख रहे हैं। तो उसी के चलते वहां की जो आम पब्लिक है वो काफी ही नाराज है जो बाइडेन से, डेमोक्रेट से और डीप स्टेट से। और उन लोगों के लिए जो एकमात्र अल्टरनेटिव है, भले ही वो थोड़ा क्रेजी लगे, लेकिन फिर भी एकमात्र जो अल्टरनेटिव है यूएस के आम सेंसिबल नागरिकों के सामने, वो है डोनाल्ड जे ट्रंप। तो उसी के चलते काफी सारे लोग जो सेंसिबल यूएस सिटीजन्स हैं, वो डोनाल्ड जे ट्रंप के फेवर में हैं और वो चाहते हैं कि इस बार जो इलेक्शन हो 2024 में, उसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से जीत कर आए और वो
ये जो परिस्थितियां क्लियोटिक हो रही हैं, सिर्फ यूएस के बाहर ही नहीं बल्कि यूएस के अंदर भी, उसको भी वो कंट्रोल में ले आए। अब ये जो सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है यूएस में जो बाइडेन के अगेंस्ट और डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में, उसको काउंटर करने के लिए डीप स्टेट और करंट जो बाइडेन गवर्नमेंट कई सारे ऐसे पैंतरे अपना रही है जिससे इलेक्शन कंफर्म हो जाए कि वो सिर्फ जो बाइडेन ही जीते। अब अगर किसी भी प्रकार के इस तरह के पैंतरे अपनाए जाते हैं तो इसको क्लियरली इलेक्शन रिगिंग के तौर पर देखा जा सकता है। इन्हीं अलग अलग षड्यंत्रों में से एक जो पर्टिकुलर षड्यंत्र चलाया जा रहा है हाल में, वो है इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने वहां पर पना देने। सबसे पहले हम उसके डेटास देखेंगे जो काफी ही चौंकाने वाले हैं, और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो इलीगल इमिग्रेशन करवाया जा रहा है यूएस में, जी हाँ करवाया जा रहा है यूएस में, वो आने वाले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को इफेक्ट कर सकता है, तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं डेटा से। तो फरवरी 2024 में यानी कि इसी साल फॉक्स न्यूज ने एक रिपोर्ट जारी की थी जहां पर उन्होंने बताया था कि करंट फिस्कल ईयर में, जो कि यूएस फिस्कल ईयर अक्टूबर से सितंबर तक का होता है, तो करंट फिस्कल ईयर यानी कि अक्टूबर 2023 से अभी तक यानी कि फरवरी 2024 तक में तकरीबन 9,61,000 इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस में ऑलरेडी दाखिल हो चुके हैं। इससे भी और चौंका देने वाली बात यह है कि पिछले फिस्कल ईयर में यानी कि फिस्कल ईयर 2023 में टोटल नंबर ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स जो यूएस में सदर्न बॉर्डर से, खास करके मेक्सिको की बॉर्डर से दाखिल हुए थे, उनकी संख्या गाजा की टोटल पॉपुलेशन से भी ज्यादा थी, जो कि गाजा की पॉपुलेशन तकरीबन 23 लाख है, और जो 2023 फिस्कल ईयर में यूएस में इलीगल इमिग्रेंट्स एंटर हुए थे उन लोगों की संख्या 24 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। साथ में ये भी बताया गया कि अगर करंट जो इलीगल इमिग्रेंट्स का यूएस में एंटर होने का ट्रेंड है अगर ये चालू रहता है तो वो पिछले साल के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। इससे भी शॉकिंग नंबर ये है कि 2021 से यानी कि जब से जो बाइडेन की गवर्नमेंट आई है उस समय से अभी तक तकरीबन 74 लाख के करीब इलीगल इमिग्रेंट्स, नॉट लीगल इमिग्रेंट्स, नॉट स्टूडेंट्स, नॉट वर्क परमिट होल्डर्स, नॉट ग्रीन कार्ड होल्डर्स, इलीगल इमिग्रेंट्स 74 लाख यूएस में दाखिल हो चुके हैं, और इनमें से ज्यादातर कैलिफोर्निया, टेक्सास, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और इस तरह के स्टेट्स में जाकर बसे हुए हैं। अब ये जो ज्यादातर स्टेट्स हैं वो वोक इन्फ्लुएंस हैं और उसमें लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ज्यादा चलती है, डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट वहां पर सालों से स्थापित है, तो उन सभी जगहों पर जाकर वो लोग असाइलम सीक कर रहे हैं, और उन लोगों को वहां पर असाइलम वीजा भी धीरे धीरे करके दिया जा रहा है ताकि उन लोगों, अब बात आती है इसकी इफेक्ट, तो उन लोगों को असाइलम सीकर वीजा दिया जा रहा है, उन लोगों को परमिट भी जा रही है जिससे उन लोगों को लीगल वोटर्स के तौर पर कन्वर्ट किया जा सके और वो लोग जो बाइडेन की फेवर में वोट करें। साथ ही में बात ये भी निकल कर आ रही है कि कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस पाए गए हैं जहां पर इलीगल वोटिंग हुई है नॉन सिटीजन के द्वारा, और ये रिपोर्टेड केसेस हैं जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या कंपैरेटिवली कम थी। तो आने वाले समय में ये जो 74 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स यूएस में घुस चुके हैं उनको आने वाले इलेक्शंस में इलीगल वोटर्स के तौर पर यूज किया जाए तो कोई भी चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए, और इस इलेक्शन को इस प्रकार से पूरा डाइवर्ट करके डोनाल्ड ट्रंप के पास से जो बाइडेन की तरफ ले जाया जाए तो कोई भी शॉकिंग बात नहीं होनी चाहिए। इस इलीगल इमिग्रेशन के ऊपर कई सारे लोग काफी सारे सवाल उठा चुके हैं जिसमें इलॉन मस्क भी शामिल है और टेक्सास के गवर्नर भी शामिल हैं और अन्य कई सारे ऐसे लोग शामिल हैं जो इस प्रकार के इमिग्रेशन को रोकने की कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट अपने लेवल पे जहां तक वो कर सके। तो आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप इस बात को लेकर काफी स्पष्ट हैं और बार बार ये बयान दे रहे हैं कि आने वाले इलेक्शंस में उसको भले ही लोग चुनकर लाना पसंद करें, लेकिन ये इलीगल वोटर्स के थ्रू यूएस डीप स्टेट और करंट जो बाइडेन गवर्नमेंट इलेक्शन को रिग करने की पूरी कोशिश करेगी, और हो सकता है कि उसमें वो लोग कामयाब भी हो जाए और आने वाले समय में यूएस के आम नागरिकों के लिए और भी क्योटिक परिस्थितियां खड़ी हों, क्योंकि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनमें से कई सारे लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले हैं और कई सारे ऐसे भी हैं जैसा कि फॉक्स न्यूज द्वारा रिपोर्ट किया गया था जिन लोगों के मिडल ईस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायरेक्ट कनेक्शंस हैं या फिर वो लोग खुद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट थे, तो उन लोगों को अप्रिहेंड कर लिया गया था और बाद में छोड़ भी दिया गया ताकि वो लोग यूएस में खुलेआम घूम सकें और अपनी मनमानी कर सकें।
आने वाले समय में देखना होगा कि क्या यूएस में जो इलेक्शंस होने वाले हैं वो विदाउट एनी बायस और वोटर फ्रॉड होते हैं या नहीं, और जो लोग अपने आप को वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप डेमोक्रेसीज कहते हैं वो सही में डेमोक्रेसी है भी या नहीं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे प्रकरण के बारे में, इस इलीगल इमिग्रेशन के बारे में जो यूएस में हाल में चल रहा है, और वो किस तरह से आने वाले यूएस इलेक्शंस को इफेक्ट करेगा, ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर वाहे।